दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग SBI क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे आप उसका पिन जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड पार्सल होता है तो आपको उसको एक्टिवेट भी करना होता है और उसमें कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, डोमेस्टिक के लिए, इंटरनेशनल के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर आपने उसको इनेबल करना होता है। तो इस वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें बताऊँगा कैसे आप उसको ट्रांजेक्शन ऑन कर सकते हैं, कैसे आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड का जो है पिन जनरेट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने SBI कार्ड ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। इसका लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने इंस्टॉल करने के बाद इसको सिंपली ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन कर लेते हैं, अब आपको यहाँ पर जो न्यू टू SBI कार्ड साइनअप वाला सेक्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है साइनअप पर। अब आपने साइनअप पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपकी डिवाइस जो होगी वो डिटेक्ट कर ली जाएगी। तो आपने लिंक डिवाइस पर क्लिक करना है। जैसे आप इधर क्लिक करते हैं, अब आपको अपना कार्ड नंबर और जो कार्ड की सारी डिटेल्स है जो जो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, जैसे कि CVV नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से दे देनी है। देन आपने जनरेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं, अब उसके बाद आपने वो OTP यहाँ पर डालना होगा जो आपके पास आया है। तो OTP डालें, देन कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम जो ऊपर वाले सेक्शन में और पासवर्ड यहाँ पर बनाना होता है। तो आपने ये सारी चीज़ जो है यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए कर रहे हैं, अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए, तो ये सारी चीज़ आपने कर लेनी है। देन साइनअप पर क्लिक करना है। जैसे आप साइनअप पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपने अपना MPIN सेट करना होगा इस ऐप को यूज़ करने के लिए। तो सेट MPIN पर क्लिक करें और यहाँ से 4 डिजिट का MPIN सेट कर लें। देन आपने यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, अब आपने वही MPIN जो है यहाँ पर डालना है जो कि आपने बनाया था। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ जो पिन मैंने बनाया था। तो यहाँ से देखिए मैंने जो है अपना जो MPIN जो है वो डाल दिया है। देन आपने यहाँ से देखिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिए पिन रखना चाहते हैं 4 डिजिट का, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसी के बाद वही कंफर्म करेंगे। तो ये हमारा जो पिन है वो क्रेडिट कार्ड के लिए है यहाँ पर। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के नंबर जो भी रखना चाहते हैं पिन के तौर पर, वो यहाँ से रख सकते हैं। देन आपने वही कंफर्म करने होंगे और कंफर्म करने के बाद आपने जनरेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके पास एक OTP भेजा जाएगा आपके नंबर पर। तो वो OTP जो है आप यहाँ पर डालेंगे, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। तो देन आपने यहाँ से, मैं इसको साइड कर देता हूँ, और उसके बाद आपने सेट पिन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेट पिन पर क्लिक करते हैं, अब देखिए आप यहाँ पर टॉप में ही दिख गया है कि पिन जो है वो जनरेट हो चुका है आपके क्रेडिट कार्ड के लिए है। तो आपने यहाँ सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पर दिख जाता है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो आप चाहे तो जिसको ऑन करना चाहें ऑन रखें, जिसको ऑफ करना चाहते हैं उसको ऑफ रखें। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वो उसको ऑन करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं जो है इसको ऑन कर देता हूँ। देन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ATM ट्रांजेक्शन, तो मैं इसको ऑन रखना चाहता हूँ। तो ये आपके ऊपर है, जिसको आप ऑफ रखना चाहते हैं ऑफ रखें, जिसको ऑन रखना चाहते हैं उसको ऑन रखें। देन आपने इसको सेव करने के लिए देखिए कन्फर्म विद OTP पर क्लिक करना है। सेम आपके पास जो है एक OTP आएगा, वो OTP डालेंगे। तो यहाँ से देखिए मेरे पास एक OTP आ चुका है। तो यहाँ से देखिए मैंने डाल दिया है ये OTP। देन आपने सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पर ये पढ़ लेना है और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका जो है वो लिमिट दिख जाएगी, कितनी आपको लिमिट मिली है। देन आपको पेमेंट ऑप्शन जो है यहाँ पर दिख जाएंगे, कैसे कैसे आप जो है इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। और उसके बाद आई एक्नोलेज पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब ये पूछ रहा है कि आपने फिंगरप्रिंट वगैरह जो लगाना है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप नोट नाउ पर भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको कुछ इस तरह का जो होगा इंटरफेस मिल जाएगा इस ऐप का, जहाँ पर टॉप में ही अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है और स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पर सारी चीज़ें दिख जाती हैं। और नीचे आपको मिल जाएगी स्पेंड लिमिट और रिवॉर्ड समरी, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। देन आपको नीचे जो आगी यहाँ पर साइड में देखिए आपको यहाँ पर दिख जाता है मैनेज कार्ड पिन। तो यहाँ से आप जो है अपने कार्ड का बाद में भी जो है वो पिन जनरेट करेंगे और चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से बाद में।
उसके बाद आपको इस ऐप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर आता है स्कैन और पे का फीचर, तो यहाँ से आप स्कैन करके भी पे कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर देखिए अकाउंट डिटेल्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा कार्ड स्टेटमेंट, अनबिल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री और रिवॉर्ड वगैरह की। यहाँ पर आपको पॉइंट जो होते हैं रिवॉर्ड, वो सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस ऐप में जो होगा आपके क्रेडिट कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है।